फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी किसी कंपनी का कंप्यूटर या लैपटॉप है, वह कितना भी पुराना है या नया है, उसमें कोई सी भी विंडो हो तो आप उसके अंदर एट द रेट या ये वाले सिंबल कैसे लिख सकते हो, हम आपको सारे करके दिखाने वाले हैं। तो आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ ही में देखें कि एट द रेट कैसे टाइप करते हैं। तो यहाँ पे आप उस पेज पे आ जाइए, यानी वो पेज ओपन कर लीजिए जहाँ पे आपको ये टाइप करना है। तो यहाँ पे हम MS Word का एक पेज ओपन कर लेते हैं। आप डायरेक्ट गूगल क्रोम भी ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे हम इसे मोस्टली जीमेल आईडी के लिए यूज़ करते हैं, यानी जब हमें जीमेल आईडी लॉगिन करनी होती है तब हमको एट द रेट लिखना होता है। तो सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी टाइप करें, जैसे कि हम करते हैं विकास वर्मा 0004, और यहाँ पे हमको लिखना है एट द रेट। तो एट द रेट लिखने के लिए आपको आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन दिखाई दे जाएगा, आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाए रखना है, आपको उसे छोड़ना नहीं है, ध्यान रहे उसको दबाए रखें। और यहाँ पे आपको जो की है जिस पे एट द रेट बना हुआ है, हमारे दो नंबर वाले की पे बना हुआ है, तो आपको उस की को प्रेस करना है जिस पे एट द रेट का सिंबल बना हुआ है और आपका एट द रेट टाइप हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, आपको शिफ्ट बटन दबाए रखना है और एट द रेट वाला सिंबल जो दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना है। इसे शॉर्टकट में शिफ्ट प्लस एट द रेट कहते हैं। इसके अलावा आप बाकी ये सारे सिंबल भी ऐसे ही टाइप कर सकते हो, बस आपको शिफ्ट बटन दबाए रखना है और आपको यहाँ पे सारे जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले, आपको इसे दबाना है और ये सारे के सारे ऐसे ही टाइप